Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, so it's Sanu and you are watching Sanu Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video or Aurangzeb versus Shivaji Maharaj. ठीक है, और शिवाजी और औरंगजेब का जो है वो इसके अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है, उनके बारे में बातें की जाएंगी, उनके बारे में फैक्ट्स बताए जाएंगे. लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप औरंगजेब के फैन है तो पर्पल हार्ट, लेकिन अगर आप शिवाजी के फैन है तो रेड हार्ट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बनाइएगा. और काफी लोग जो है, जब मैं ये चीज कहती हूँ ना रेड और पर्पल हार्ट, जब भी कोई कंपैरिजन होता है तो वाकई यार बहुत ज्यादा जो होता है ना, लोग रेड हार्ट पर्पल हार्ट ऐसे बनाते हैं. तो फिर बाद में मैं देखती हूँ कि हाँ यार, इस कंपैरिजन के अंदर ना ये बंदा विन कर गया. ठीक है, तो बाद में रात को अक्सर मैं ना लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ. और गाइज, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, थैंक यू थैंक यू. और इस वीडियो के ऊपर जो है ना, मुझे बहुत ज्यादा लाइक्स चाहिए, बहुत ज्यादा शेयरिंग चाहिए, बहुत ज्यादा कमेंट चाहिए. और जितने लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी. घर अपने टाइम को वेस्ट किए शिवाजी और औरंगजेब के बारे में इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि कैसी होने जा रही है ये वीडियो. बाकी की बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में, मेक श्योर वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा. तो लेट्स अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम. दोस्तों, अक्सर हिंदू लोग ये कहते हैं कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर ये सब विदेशी थे, हिंदुस्तान के नहीं थे. मगर दूसरी तरफ यही लोग अखंड भारत का रोना भी रोते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत ये सब पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे. ये नक्शा देखिए, इनके हिसाब से ये अखंड भारत था. गौर करिए, इसमें अफगानिस्तान को भी भारत का ही हिस्सा बताया गया है, जो कि सन 1876 में भारत से अलग हुआ इनके हिसाब से. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर ये लोग विदेशी कैसे हुए? ये लोग तो उस वक्त अफगानिस्तान में पैदा हुए जब अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था. खैर, पिछले एपिसोड में आपने बादशाह शाहजहां के बारे में जाना था. शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है. औरंगजेब पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह औरंगजेब ने सत्ता हासिल की, क्यों औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और क्यों उन पर जिजिया लगाया. आज की ये वीडियो औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, मराठा वर्सेस मुगलों पर होगी. और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे सांभाजी को क्यों मरवाया था. दोस्तों, मराठों का उदय 16वीं शताब्दी के शुरू में हुआ था. मराठा पहले मुगलों के वफादार हुआ करते थे, मुगलों के लिए काम किया करते थे. शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था. रायगढ़ यानी आज के महाराष्ट्र या मुंबई के आसपास का एरिया मराठों का गढ़ हुआ करता था. मराठों और मुगलों की जंग शुरू होती है 1656 के आसपास. इस वक्त मुगल सल्तनत का बादशाह शाहजहां था. 1656 में शिवाजी की स्थिति काफी मजबूत थी. कई किले और छोटी मोटी रियासतें शिवाजी ने जीत रखी थी. 1656 में शिवाजी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मुगल सल्तनत के शहर अहमदनगर पर हमला कर देते हैं और ये हमला मुगलों को खुला चैलेंज था. मगर इस वक्त मुगल सल्तनत में उठापटक चल रही होती है. शाहजहां बीमार पड़ा होता है और उसके चारों बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं. इसी गुत्थम गुत्थी का फायदा उठाकर बीजापुर और गोलकुंडा रियासतें मुगल सल्तनत से आजाद हो जाती हैं. ये दोनों रियासतें शिया रियासतें थी. शिवाजी भी मौका पाकर इन शिया रियासतों के साथ मिल जाते हैं. मगर 1658 में जब औरंगजेब मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है तो वह सीधा बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों को सबक सिखाने की ठानता है. औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को इस अभियान के लिए दक्कन का सूबेदार बनाकर दक्षिण में भेजता है. हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि औरंगजेब शिवाजी से डर गया था, इसीलिए उसने शाइस्ता खान को भेजा था. ये बिना वजह शिवाजी को महान बनाने के लिए बोला गया झूठ था. उस वक्त औरंगजेब को ये तक पता नहीं था कि शिवाजी है कौन. खैर,
शाइस्ता खान जब दक्षिण पहुंच जाते हैं तब उनका सामना शिवाजी से होता है। मराठों में अभी इतनी पावर नहीं थी कि वो मुगल सेना से सीधी टक्कर ले सके। मराठा गुरिल्ला वार यानी छापा मार युद्ध लड़ते थे, यानी आधी रात में सोती हुई सेना पर हमला करना, पीछे से मार कर भाग जाना, मराठा ये किया करते थे। शाइस्ता खान ने मराठों को काफी नुकसान पहुंचाया था, यहां तक कि उन्होंने शिवाजी के उस लाल महल को भी फतह कर लिया था जहां शिवाजी कभी रहा करते थे। सन 1663 में एक बार शाइस्ता खान इसी लाल महल में सो रहे थे कि अचानक शिवाजी अपने 400-500 सैनिकों के साथ आधी रात को महल पर हमला कर देते हैं। इस हमले में मराठों ने औरतों बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शिवाजी किसी तरह शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंच जाते हैं और शाइस्ता खान पर हमला कर देते हैं, जिसमें शाइस्ता खान काफी घायल हो जाते हैं, मगर वो किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह का हमला कोई मुगल बादशाह करे तो ये लोग कहते हैं कि मुगल कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, जो रात को निहत्ते लोगों पर हमला किया। मुगलों में सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। मगर अब देखिए, शिवाजी ने भी आधी रात को निहत्ते लोगों पर हमला किया। क्या शिवाजी को भी कायर, डरपोक और धोखे से हमला करने वाला कहना चाहिए? दोस्तों, शाइस्ता खान ने मराठों को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। इसी वजह से मराठों के पास धन दौलत की कमी आ जाती है। पैसों के लालच में शिवाजी सूरत को लूटने का प्लान बनाते हैं और सन 1664 में शिवाजी सूरत में भयंकर तरीके से लूटमार करते हैं। कत्लेआम होता है, कई लोगों के घरों को उजाड़ दिया जाता है, जिनमें ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। सोचिए, यही काम अगर मुगल करते तो उनको लुटेरा कहा जाता, मगर शिवाजी को। शाइस्ता खान जब घायल होकर औरंगजेब के पास पहुंचते हैं तब औरंगजेब भयंकर तरीके से गुस्से में आ जाता है। यही वो वक्त था जब औरंगजेब को शिवाजी के बारे में पता चलता है, मगर अब भी औरंगजेब का टारगेट बीजापुर और गोलकुंडा ही थे, ना कि मराठा। मगर हाँ, अब शिवाजी को कुचलना भी जरूरी था, इसीलिए औरंगजेब अपने वफादार सेनापति राजा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार बनाकर साउथ की तरफ रवाना कर देते हैं। राजा जयसिंह आते ही मराठों पर इस कदर टूट पड़ते हैं कि मराठों को भागने तक का मौका नहीं मिलता। मराठों और शिवाजी को हद से ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, उनको बढ़ा चढ़ाकर इतना ताकतवर बताया जाता है कि जैसे मराठों ने मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके थे, मगर इतिहास इसके बिल्कुल उलट है। 1665 में मुगल सेनापति राजा जयसिंह मराठों पर डायरेक्ट हमला कर देते हैं। शिवाजी उनको जर्रा बराबर भी टक्कर नहीं दे पाते। राजा जयसिंह शिवाजी के पुरंदर के किले को फतह कर लेते हैं और इसी फतह पर शिवाजी मुगलों के आगे घुटने टेक देते हैं। शिवाजी राजा जयसिंह के साथ बिना शर्त के संधि कर लेते हैं, इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि में तय पाया जाता है कि शिवाजी अपने 23 किले मुगलों को सौंप देंगे, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे और सबसे बड़ी शर्त ये कि शिवाजी अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के पास भेजेंगे। इसके अलावा एक शर्त ये भी रखी गई कि शिवाजी को बादशाह औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देनी होगी। शिवाजी को मुगलों की सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। कितनी अजीब बात है ना कि जिसको इतना बहादुर बताया जाता है वो मुगलों के सामने इतनी आसानी से घुटने टेक देता है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी औरंगजेब के हवाले करने पर तैयार हो जाता है। पुरंदर की संधि के बाद मराठों के पास कुछ नहीं बचता, ना धन दौलत ना रियासत। शिवाजी अब मुगलों के सामने सरेंडर कर चुके थे। शर्त के मुताबिक शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में हाजिरी देनी थी और अपने बेटे संभाजी को औरंगजेब के हवाले करना था। मुगल सेनापति राजा जयसिंह शिवाजी को लेकर आगरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, औरंगजेब की दरियादिली देखिए। शिवाजी के दक्कन से आगरा तक के सफर के लिए बादशाह औरंगजेब शिवाजी को 1,00,000 रुपया खर्चा तक भेजता है। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब नजारा देखिए, खूब भीड़ लगी है। कई दूसरी रियासतों के राजा महाराजा भी बादशाह औरंगजेब के सामने हाजिरी देने के लिए खड़े हैं। दस्तूर के मुताबिक शिवाजी औरंगजेब के सामने झुककर 3 बार सलाम करते हैं। चूँकि बादशाह औरंगजेब के सामने शिवाजी एक छोटी सी रियासत का हारा हुआ राजा था, इसीलिए बादशाह औरंगजेब शिवाजी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और शिवाजी को बाकी राजाओं के साथ
बिल्कुल पीछे खड़ा कर देते हैं। औरंगजेब का ये बर्ताव शिवाजी को गुस्सा दिला देता है और शिवाजी वही दरबार में चिल्लाने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? मैं एक राजा हूँ, ना कि कोई मनसबदार। शिवाजी की इस गुस्ताखी की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर दोस्तों कुछ ही महीनों में शिवाजी मुगलों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं और सीधा दक्कन पहुंच जाते हैं। अब तक शिवाजी के दिल में औरंगजेब का खौफ बैठ चुका था, इसीलिए दक्कन पहुंचते ही शिवाजी बादशाह औरंगजेब को खत लिखते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, यानी मुगलों से लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। दोस्तों मुझे तो अफसोस होता है कि जिस शिवाजी के बारे में आज हम इतना कुछ सुनते हैं कि वो इतने बहादुर थे, बेखौफ मुगलों से टक्कर लेने वाले थे, उन शिवाजी महाराज ने इतिहास में बादशाह औरंगजेब आलमगीर को माफी नामा तक लिखा था। बादशाह औरंगजेब भी शिवाजी को माफ कर देते हैं और शिवाजी को आजाद हुक्मरान मान लेते हैं, यहाँ तक कि शिवाजी को गाइस हम लोगों ने जो है वो वीडियो देखी, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी है सच्चाई, वो मुझे आपके कमेंट बॉक्स से ही पता चलेगा, बिकॉज मैं इतना हिस्ट्री की स्टूडेंट नहीं रह चुकी, मुझे इतना हिस्ट्री का नहीं पता, और इस बात में जो है वो आप लोग मुझे जरूर गाइड कीजिएगा कि शिवाजी ने जो है वो औरंगजेब आलमगीर जो बादशाह था उसके आगे जो है वो माफीनामा लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। और काफी जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को पता चला कि शिवाजी जो है, मतलब लास्ट टाइम मैंने उनकी एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई थी, उसके अंदर दिखाया गया था कि वो बहुत ज्यादा जो है वो ब्रेव इंसान है, ठीक है, और इस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि वो बहुत ज्यादा डरपोक और वो ब्रेव नहीं है, ये सारा कुछ बताया गया। और मुझे इस चीज के अंदर ना मेरा माइंड जो हो गया ना वो ऐसे डावाडोल हो रहा है, ठीक है, कि इधर की बात सुनूं कि उधर की बात सुनूं, तो समझ नहीं आ रहा कुछ, लेकिन आप लोगों के कमेंट बॉक्स से मुझे गाइडनेस मिलेगी। तो गाइज आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।